नमस्ते दोस्तों, देसी दिल्ली चैनल पे आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बदलते मौसम के लिए एक रेसिपी, जो ये खाने में बहुत ही हेल्दी है, टेस्टी है, ये सबके लिए फ़ायदेमंद भी है। तो यहाँ पे जो हम ड्राई फ्रूट ले रहे हैं वो आप देख लें, हमने यहाँ पे तिल लिया है, मखाना लिया और रोस्टेड पीनट लिया है और साथ में गोंद। गैस पे कढ़ाई चढ़ा दें, जिसमें डाल दें आप 2 से 3 बड़े चम्मच घी। ये घी हमें यूज करना सिर्फ गोंद भूनने के लिए और किसी चीज के लिए यूज नहीं करनी है। गोंद भूनने के टाइम में ये ध्यान जरूर रखें कि जो घी है बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए। मेरा यहाँ पे घी अभी कम गर्म है, तो देखिए जल्दी से ये फूलकर तैयार नहीं हुआ है। जब अच्छे से घी गर्म हो जाता है तो गोंद बहुत जल्दी भूनकर तैयार हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा करके गोंद को डालें और भून लें। तो इस रेसिपी में किसी भी चीज को स्किप करना हो आपको जो पसंद नहीं है तो आप इसमें से हटा सकते हैं, या फिर जो आपको पसंद है कुछ इसमें शामिल करना चाहते हैं तो वो भी ऐड इसमें कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा गोंद धीरे, मतलब हमने थोड़े थोड़े करके सारे गोंद को भून लिए हैं। अब जो बचा हुआ घी उसको हम हटा देंगे और दोबारा से पैन चढ़ाएंगे। हमने जो छोटी कटोरी से लिए है मखाना, बस इसे 5 से 6 मिनट लो फ्लेम पे ही भूनना है। जब इसमें हाथ से आराम से टूटने लगे तब तक हमें इसे भूनना है। मैं यहाँ पे घी का यूज बहुत कम कर रही हूँ। ये देखिए इजली जब ये टूटने लगता तो इसका मतलब हमारा मखाना अच्छे से भून चुका है। अब उसी पैन में हम डाल देंगे तिल। मखाना को हमने निकाल लिया, अब तिल को डाल दे रहे। तिल को हमें लो फ्लेम पे भूनना है, तेज बिल्कुल नहीं। 5 से 7 मिनट में ये तिल अच्छे से गोल्डन हो जाएगा। डार्क नहीं करना, लाइट गोल्डन करना है। ये देखिए भुनने के बाद उसे निकाले और हल्का ठंडा होने दे। जब ये हल्का ठंडा हो जाएगा उसके बाद जो भी हमने सामान लिए हैं, मखाना, मूंगफली, तिल और ये गोंद, इन सभी को जार में डाल देंगे। और इसे हमें पल्स मोड में पीसना, लगातार बिल्कुल नहीं चलाना मिक्सी को, थोड़ा थोड़ा चलाएं, बंद करें, इस तरह से हमें इसे पीसना है। तो ये देखिए एक अच्छा सा पाउडर बनकर तैयार हो गया। अब इसमें हम डालेंगे इलायची पाउडर और साथ में डाल देंगे 8 से 10 काली मिर्च। और यहाँ पे हम 1 कप गुड़ का यूज कर रहे हैं, तो अगर मीठा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, मैंने अपने हिसाब से रखा है। अगर लगे कि मीठा कम है या फिर आपको मेल्ट होने में दिक्कत आ रही है तो आप दोबारा से इसमें थोड़ा सा गुड़ को ऐड कर सकते हैं, घिस के कर ले या अच्छे से बारीक चूर कर कर ले। तो ये देखिए सब गुड़ को हमने मिलाकर जब पीसा, बहुत अच्छे से पाउडर बनकर तैयार हो गया। यहाँ पे हम कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में डाल देंगे हम 2 चम्मच घी। जिस चम्मच से खाना खाते उसी चम्मच से हमने यूज किया घी को। और यहाँ पे हम कर रहे हैं चने का सत्तू का यूज, क्योंकि वो पहले से भुना हुआ रहता है, उसे हमें ज्यादा भुनने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपके पास चना का सत्तू नहीं है तो आप यहाँ पे बेसन का यूज कर सकते हैं, या फिर आप आटे से भी बना सकते हैं इस रेसिपी को। तो 2 से 3 मिनट हमें लो फ्लेम पे भूनना है चने के सत्तू को, और उसके बाद इसमें पीसा हुआ हम जो ड्राई फ्रूट पीस है उसे डाल देंगे। तो गुड़ के साथ हमने पीसा है तो ये धीरे धीरे करके मेल्ट हो जाता है। गैस का फ्लेम बिल्कुल तेज नहीं करनी है, अगर करनी भी है तो थोड़ी देर कर लिए करें, उसके बाद गैस का फ्लेम लो कर दें। ये देखिए 2 से 3 मिनट के अंदर में आपको दिखने लगेगा कि गुड़ के साथ ये सारा मेल्ट होने लग गया है।
और यहाँ पे अगर आपको लगता है कि मेल्ट पूरा अच्छे से नहीं हुआ तो यहाँ पे गुड़ को थोड़ा सा और घिस कर डाल सकते हैं। साथ में डाल देंगे 1/4 छोटा चम्मच सोंट का पाउडर और 2 पिंच नमक। इन सब को भी डालकर अच्छे से इन सब को अच्छे से भून देंगे। ये देखिए आपको दिख रहा होगा कि खूब अच्छे से मेल्ट हो चुका है। चाहे तो आप इसमें थोड़ा सा दूध को डाल दें। यहाँ पे आप 2 चम्मच दूध डाल देंगे तो जो थोड़ा बहुत लग रहा है कि जैसे भी बहुत ज़्यादा वो मेल्ट नहीं हुआ है तो अच्छे से वो घुल जाएगा और वो अच्छे से मिल जाएगा। उसके बाद इस तरह से कंटेनर में डालें। अगर आपको कंटेनर में नहीं जमानी है तो छोटे छोटे लड्डू बनाकर रख लें या फिर पेड़ बनाकर भी रख सकते हैं। इसे कैसे भी यूज कर सकते हैं। ये ठंड के मौसम के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है। हमारे शरीर को गर्म रखता है, सेहत दुरुस्त रखती है। तो बदलते मौसम की रेसिपी है ये, आप भी इसको बनाकर जरूर देखिएगा। जब आप इसको बनाकर खाएंगे तो आपको भी बहुत पसंद आएगा। तो इस तरह से इस पे आप किसी भी चीज़ से सजा सकते हैं, कोई भी ड्राई फ्रूट ले ले और इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें। वैसे जमने को तो ये 20 मिनट में भी जम जाएगा लेकिन आधा घंटा आप छोड़ दें। ये मीठी सी हेल्दी सी रेसिपी बनकर तैयार है। छोटे मोटे भूख में आप कभी भी इसे खा सकते हैं। ये जो रेसिपी है बनाकर इसे स्टोर भी कर सकते हैं 1 महीने के लिए, कुछ भी ख़राब नहीं होगा, इसका टेस्ट भी अच्छा रहेगा और जब चाहे जब इसे आप उसे खा सकते हैं। तो ये देखिए हमारी ये रेसिपी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसे 20 मिनट के बाद इसे कट लगा देंगे। जब हम किसी चीज़ से गार्निश करते हैं तो इस तरह से प्रेस कर देंगे तो इसके नीचे दब जाएगा और अच्छे से ये सेट हो जाएगा। तो मिलते हैं 20 मिनट के बाद। ये देखिए 20 मिनट के बाद मैं यहाँ पे कट लगा रही हूँ। तो रेसिपी देखने में अच्छी लगी है तो आप आज हम बनाते हैं शुगर फ्री मिठाई। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं खा सकता है। इस रेसिपी को बनाए खाए और अपनी राय हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।